हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। कल हमने इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक किया था पंक्चुएशंस। उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी किया था और जो बाकी बचे पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हम आज की वीडियो में देखते हैं और साथ ही कैपिटल लेटर को कैसे यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफे और एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क्स के बारे में पढ़ लिया था। हम आज करेंगे कॉलन। कॉलन से स्टार्ट करते हुए देखो कॉलन क्या है। पहले इसका साइन देखो, ये दो डॉट्स हैं, ये इसका साइन है। कॉलन कहां पे यूज होता है? जब किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना हो, जैसे माय टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मेरे टीचर ने कहा, जब मेरे टीचर कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो ये कोटेशन है ना, आपको पता है ये कोटेशन है। अब इससे पहले हमने ये कॉलन यूज किया। आप इसमें कॉमा भी यूज कर सकते हो, वो भी सही है, पर इसमें ऐसे कोटेशन से पहले कॉलन भी यूज किया जाता है। ओके, समझ आ गया आपको। देखो और इसका यूज टू मेंशन द टाइम एंड रेशो। कोई टाइम या रेशो को मेंशन करने के लिए भी कॉलन यूज किया जाता है, जैसे 10:15 AM, 10:15 AM, ठीक है, 10:15। उसी तरह कोई रेशो बतानी है आपने, 2:4:8, इस तरह से कोई रेशो आपने एक्सप्लेन करनी है तो भी कॉलन को यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे है इंटरोगेशन मार्क। ये आप सबको पता है, ऐसे लिखा जाता है, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में इसको यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा हो, जो क्वेश्चन वाले वाक्य हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप यूज करते हो, वही हमारे इंटरोगेशन का साइन है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क प्लेस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो राउंड ब्रैकेट देखो, जैसे मैंने यहां पे यूज किया हुआ है बिल्कुल वैसे। किस लिए यूज होता है ये? टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो बाकी सेंटेंस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट को यूज करते हैं। जैसे टुमारो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। देखो कल स्कूल का पहला दिन है। अब इसमें और इन्फॉर्मेशन डाल दी, टुमारो कल दिन कौन सा है? मंडे, मींस मंडे को स्कूल का फर्स्ट डे है। इस तरह से जब आपने सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम उसको ब्रैकेट में यूज करके इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी आप कॉमा भी यूज कर सकते हो। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे, कॉमा यूज किया है, वो भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आप ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। तो राउंड ब्रैकेट का भी यही यूज है कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो आप इस तरह से लिख के दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट था, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट टू इंडिकेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाय एडिटर टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाई। अब देखो इसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही एड की जाती है, पर कैसे? जब भी कोई राइटिंग लिखी जाती है, जैसे कोई पोइम है, स्टोरी है, कुछ भी है, तो उसके बाद उसको एडिटिंग के लिए भेजा जाता है। जब उसकी एडिटिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तो जो हमारे एडिटर हैं वो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल द बुक स्टेट्स दैट व्हेन स्विमिंग इन इट। जब इसमें स्विमिंग की जाती है, इसमें इट मीन्स रिवर, तो इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी रिवर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं था कि स्विमिंग कहाँ करनी है, कहाँ स्विमिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो एडिटर ने यहाँ पे ऐड किया रिवर। ठीक है, इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड होगी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन एडिटर के द्वारा जब ऐड की जाती है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे है हमारा हाइफन। हाइफन ये मार्क है इसका, इट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। ये वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बहुत स्वयं केंद्रित है। देखो इस तरह से जो दो वर्ड हैं सेल्फ और सेंटर्ड,
हाइफन लगा के हमने इसको एड कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के जो शब्द को आपने ज्वाइन करना है तो आप यूज करोगे हाइफन। इसी तरह से कुछ और साइंस होते हैं, जैसे डैश है, एन डैश, एम डैश, उनका भी इसी तरह यूज किया जाता है, पर वो इतने ज्यादा यूज में नहीं आते, इसलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट साइंस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और पंक्चुएशन के टॉपिक में एक टॉपिक आता है कैपिटल लेटर का, कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज करना है। इसमें भी बच्चे कई बार बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, तो एक बार इस टॉपिक को भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने किसी पर्सन का नेम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे। पर्सन का नेम लिखना हो चाहे उसका सरनेम लिखना हो तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ डे और मंथ, किसी डे या मंथ को आपने लिखना है तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखोगे। जैसे मंडे, कोई भी डे है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, मंथ है मार्च तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। इस तरह से इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल रखे जाएंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी रिलीजन, किसी रिलीजन का नाम लिख रहे हो जैसे हिंदू तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखोगे। फर्स्ट लेटर ऑफ फेस्टिवल, रिवर, माउंटेन, ट्रेन, कोई भी फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, रिवर है गंगा यमुना, माउंटेन है हिमालय, ट्रेन है द एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। और है एक प्रोनाउन आई, आई को जब भी आप कहीं भी लिखोगे तो आप इसको कैपिटल में लिखोगे। जब आप इसको एज पर नाउन यूज करते हो तो इसको कैपिटल में लिखा जाता है। ओके, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो चाहे सेंटेंस के बीच में हो। और भी इसके एक दो यूज होते हैं पर मेन यूज यही है, जैसे कि कोई लेटर वगैरह लिखते हो तो उसमें आप स्टार्टिंग में जैसे डियर सर, डियर मैम, इस तरह से जब भी आप किसी लेटर वगैरह में मेंशन करते तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान में रखोगे तो कैपिटल लेटर रिलेटेड आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।